हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ क्योर। आज हम लोग देखेंगे एक वायरल इन्फेक्शन के बारे में जिसका नाम है मम्स। मम्स ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि प्राइमरी इफेक्ट करता है सलाइवरी ग्लैंड्स को। ये स्प्रेड करता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो कि क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू आ सकते हैं अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके। सिम्टम्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं ग्लैंड्स में स्वेलिंग मिलना, फीवर, हेडेक और मसल्स में पेन होना। ट्रीटमेंट जो है मेनली सपोर्टिव होता है लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं जैसे कि मेनिनजाइटिस और काइटिस, ये सब भी अकर कर सकता है। अगर बात करें कि मम्स के कॉज क्या होते हैं तो मम्स ये कॉज होता है मम्स वायरस की वजह से। ये बिलोंग करता है फैमिली पैरामिक्सो वायरस को। ये स्प्रेड करता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन बात करता है या फिर वो खांसता है या फिर वो छींकता है तब रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं और क्लोज कॉन्टैक्ट में ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। ये वायरस काफी लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकता है किसी सरफेस पर भी, तो उसके थ्रू भी इन्फेक्शन स्प्रेड होने की चांसेस रहती है। अगर देखें कि मम्स में क्या सिम्टम्स मिलते हैं तो सिम्टम्स जो है वो यूजुअली अपीयर करते हैं एक्सपोजर के बाद में 2 to 3 weeks के बाद, मतलब इसका लगभग इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 3 weeks। मोस्ट कॉमन जो सिम्टम देखने को मिलता है मम्स वायरस के केस में वो होता है स्वॉलन ग्लैंड्स जो कि फेस में, नेक में और जॉ में, यहाँ पर हमें ग्लैंड्स में स्वेलिंग महसूस होंगी। कुछ और सिम्टम्स इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि फीवर, हेडेक, मसल्स में पेन होना, थकान महसूस होना, भूख ना लगना। मम्स वायरस के लिए अगर डायग्नोसिस की बात करें तो मम्स की डायग्नोसिस यूजुअली बेस्ड होती है सिम्टम्स पर और फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर। ब्लड टेस्ट कंडक्ट करवाया जा सकता है ताकि कंफर्म हो सके कि ये मम्स वायरस का ही इन्फेक्शन हुआ है। कुछ केसेस में सलाइवा और यूरिन का सैंपल भी टेस्ट किया जा सकता है वायरस की प्रेजेंस के लिए। अब देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो मम्स क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रेजेंट नहीं है। मेनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है पर्सन को जो कि इंक्लूड करता है कि वो बहुत ज्यादा रेस्ट करे, उसका फ्लूइड इंटेक बढ़ाया जाए, पेन रिलीवर्स दिए जाए, अगर बहुत ज्यादा फीवर है या फिर पेन है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाए, वार्म और कोल्ड कंप्रेसेस का भी एप्लीकेशन बताया जाता है स्वॉलन ग्लैंड्स के ऊपर, वो भी जो डिस्कम्फर्ट है उसमें थोड़ा सा रिलीफ पहुंचा सकता है। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये वायरल इन्फेक्शन के केस में, मतलब जैसे कि मम्स के केस में, बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होते हैं। ये तभी यूज आएंगे अगर कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जा रहा है तब। तो अब देख लेते हैं कि मम्स का प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। तो अगर सही टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिले या फिर कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स हो जाए तो मम्स के केस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी कॉज हो सकते हैं। तो आइए उन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में देख लेते हैं। मम्स के कॉम्प्लिकेशंस काफी रेयर केस में ही देखने को मिलते हैं लेकिन अगर होते हैं तो बहुत ही सीरियस होते हैं। ये इंक्लूड करते हैं मेनिनजाइटिस जो कि एक इन्फ्लेमेशन होता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजेस का, साथ में ऑर्काइटिस कॉज हो सकती है जो कि इन्फ्लेमेशन होता है टेस्टिकल्स का, या फिर कुछ और कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि पर्सन में डेफनेस हो सकती है, पैंक्रियाटाइटिस, यहाँ तक कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें मम्स का इन्फेक्शन हो जा रहा है तो उसकी वजह से मिसकैरेज का भी रिस्क काफी बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं कि मम्स के इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स यूज किए जा सकते हैं। सबसे अच्छा मेजर जो कि होता है प्रिवेंशन का वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन करवाया जा सकता है MMR वैक्सीन के थ्रू। MMR वैक्सीन जो है ये कंबाइंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है मम्स, मीजल्स और रुबेला के अगेंस्ट में। इस वैक्सीन को 2 डोज में दिया जाता है। यूजुअली फर्स्ट डोज दिया जाता है 12 टू 15 मंथ्स की एज पर और सेकेंड डोज दिया जाता है 4 to 6 ईयर्स ऑफ एज पर। अगर आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, अपने हाथों को बार बार वॉश कर रहे हैं या फिर अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे क्लोज कॉन्टैक्ट को अवॉइड कर रहे हैं तो ये भी प्रिवेंट कर सकता है स्प्रेड में इस वायरस के अगेंस्ट। अब देख लेते हैं कि मम्स और प्रेगनेंसी ये आपस में कैसे रिलेटेड है। अगर प्रेगनेंसी के टाइम में मम्स का इन्फेक्शन हो जा रहा है तो ये इंक्रीज कर देता है मिसकैरेज और प्रीमेच्योर डिलीवरी के रिस्क को। तो प्रेग्नेंट वुमेन जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा है मम्स के अगेंस्ट में उनको अवॉइड करना चाहिए क्लोज कॉन्टैक्ट किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से। अगर प्रेग्नेंट वुमेन को मम्स का डेवलपमेंट हो भी जा रहा है तो उसे जल्दी से जल्दी मेडिकल केयर सीक करना चाहिए ताकि वो कॉम्प्लिकेशंस ना डेवलप होने पाए और इस इन्फेक्शन को अर्ली स्टेज में ही रोका जा सके। तो इस प्रेजेंटेशन का जो एक स्पेशल टॉपिक है वो है कुछ मिथ्स और फैक्ट्स मम्स के बारे में जो कि सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं। तो सोसाइटी में एक मिथ है कि
कि मम्स जो है कि एक हार्मलेस चाइल्डहुड डिजीज है, लेकिन अगर फैक्ट देखे मतलब रियलिटी में क्या होता है तो मम्स ये काफी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है अगर स्पेशली एडल्ट्स में मम्स का इन्फेक्शन हो रहा है तब। सोसाइटी में एक और मिथ है कि जो MMR वैक्सीन है उसकी वजह से ऑटिज्म कॉज हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग देखें कि रियलिटी क्या है तो कोई भी ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं प्रेजेंट है जो कि लिंक करता है MMR वैक्सीन के यूज को और ऑटिज्म के केस को, तो ये भी बिल्कुल गलत है। MMR वैक्सीन लगवा लेना चाहिए ताकि प्रिवेंशन हो सके मम्स मीजल्स और रुबेला के अगेंस्ट में। अब सोसाइटी में एक और मिथ है कि अगर आपको मम्स हो गया है तब फिर आपको वो सेकेंड टाइम नहीं होगा लाइफ में, लेकिन रियलिटी ये है कि पॉसिबल है कि आपको मम्स का इन्फेक्शन लाइफ में एक से ज़्यादा बार हो सकता है। तो ये था एक शॉर्ट सा वीडियो मम्स के बारे में। मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि ग्लैंड्स में स्वेलिंग प्रोड्यूस कर सकता है, फीवर, हेडेक, मसल्स में पेन, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी प्रोड्यूस हो सकते हैं अगर सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिला, लेकिन वो बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलता है। जो बेस्ट वे होता है मम्स के अगेंस्ट प्रिवेंशन के लिए वो होता है वैक्सीनेशन करवा लेना विद द हेल्प ऑफ MMR वैक्सीन, या फिर अगर कोई और वैक्सीन प्रेजेंट है उसके थ्रू भी वैक्सीनेशन करवाया जा सकता है। इसके अगेंस्ट जो ट्रीटमेंट होता है वो मेनली सपोर्टिव होता है और एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव नहीं होते हैं क्योंकि मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है। अगर आपको मम्स का इन्फेक्शन लग रहा है कि आपको मम्स का इन्फेक्शन हुआ है तो जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें और सही मेडिसिन को स्टार्ट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली अपडेट्स मिस ना होने पाएं इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हमारी यही कामना है कि आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।